तो इन महिलाओं को जितनी जल्दी हो सके इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में कुछ ना ढूंढे। जब हमारे साथ है राजेश कुमारी जी, जो कि बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या मूर्ति पूजा करने से मूर्ति आपकी रक्षा करेगी? सबसे पहले तो मैं SM न्यूज़ का धन्यवाद करूँगी कि वो समय समय पर जो है ऐसे टॉपिक्स और जनता को अवेयरनेस करने का काम करती है। मूर्ति पूजा के लिए आपने कहा है कि मूर्ति पूजा क्या आपकी रक्षा करेगी। देखो, मूर्तियाँ अगर रक्षा करती तो हमारा समाज आज तक जो आज भी हर तरह की परेशानी झेल रहा है, हर तरह की गुलामी झेल रहा है, वो नहीं झेलता। क्योंकि हमारा जो समाज है वो 85% समाज को इन ब्राह्मणों ने पूजा में उलझा रखा है। हमारे लोग मंदिर जाते हैं और फिर वहाँ पर दान दक्षिणा और हर चीज़ वहाँ पर चढ़ा के आते हैं। वो अपने घर में अच्छा नहीं बनाते हैं, अपने घर में अच्छा नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिरों में जाके सेब भी चढ़ाते हैं, केला भी चढ़ाते हैं और प्रसाद भी अच्छा अच्छा लेके जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर उनको ये पता नहीं है कि यह हमारा जो है केवल और केवल नाश का कारण है, विनाश का कारण है। क्योंकि मूर्ति पूजा करने से अगर विकास होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इतना एजुकेशन ली है और जो ये यहाँ पर हमें सबको दे के गए हैं, तो हमें जो है ना मूर्ति पूजा से कभी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मूर्ति पूजा से केवल और केवल ब्राह्मणों का भला होने वाला है। हमारा दलित समाज से मूर्ति पूजा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ना ही हमें उन्हें पूजना चाहिए। हमें केवल और केवल हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शिक्षित बन करके हम अफसर बनेंगे, बच्चे पढ़ लिख करके बिजनेस करेंगे और समाज में एक अच्छा अपना स्थान स्थापित करने का काम करेंगे। तो मूर्ति पूजा से हमारा कभी भी भला ना हुआ है ना होगा। तो इसलिए मैं समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो इस अंधविश्वास से निकले, इस पाखंड से निकले और ये जो बेमतलब का जो पैसा है ये चढ़ाना बंद कर दें और मंदिरों में जाना अपने आप ही बंद कर दें। हमारी जगह बौद्ध विहारों में है, हमें अपने महापुरुषों की बताई हुई बातों को मानना चाहिए। आज देश संविधान से चल रहा है, हमें देश के संविधान को पढ़ना चाहिए, हमें देश के संविधान पर चलना चाहिए और बच्चों को गीता रामायण महाभारत इन सब की को छोड़ करके हमें अपने देश के संविधान को घर में रखना चाहिए। क्योंकि वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, उसको पढ़ना चाहिए। जब उसको पढ़ करके ये अन्य जाति के लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा समाज आगे आता, क्यों नहीं हमारा समाज इस बाबा साहब के संविधान को पढ़ता। तो हमारे बाबा साहब के संविधान के लिखे हुए संविधान को पढ़ना चाहिए। अगर आज कोई डरता है तो बाबा साहब के करैक्टर से डरता है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से डरता है और बाबा साहब के जो इतना कुछ मटेरियल लिख के देखे छोड़ के गए हैं उससे डरता है। तो मैं खासकर महिलाएं ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, तो मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सब के सब इस अंधविश्वास को छोड़ दें। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हमारी जो महिलाएं की स्थिति है वो वर्ण व्यवस्था में इतनी कमज़ोर की गई है, वो पैर की जूती बताई गई है। और मैं कहती हूँ कि एक बाबा साहब है ऐसे मसीहा जिन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया है, बाकी तो किसी ने आज तक महिलाओं के लिए कार्य किया ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बना करके, देश का संविधान बना करके महिलाओं को आज़ादी के रास्ते दिए हैं, धन संपत्ति के आज़ादी रास्ते दिए हैं और निगम पार्षद से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के अधिकार दिए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया है, बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है, डाइवोर्स का अधिकार दिया। वो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए नहीं दिए हैं? तो इन महिलाओं को जितनी जल्दी हो सके इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में कुछ ना ढूंढे, वो बाबा साहब को पढ़े और उनकी बताई हुई बातों पे चले, तभी वो अपना भी कल्याण कर पाएंगी, अपने बच्चों का भी कल्याण करवाएंगी और अपने समाज का भी कल्याण कर पाएंगी। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं राजेश कुमारी जी का, जिन्होंने हमारे चैनल से बात की। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।